नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ श्री अयोध्या धाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी हम हैं अयोध्या अकबरपुर मार्ग। अगर आप सूर्यकुंड होते हुए अकबरपुर माया बाजार होते हुए जाते हैं तो आपको रास्ते में यहाँ देखने को मिलेगा, इस रोड का चौड़ीकरण का कार्य शुरू हो गया है और इसकी जो कार्य है रोड बनाने का बहुत तेज़ी से चल रहा है। अगर आपको हम दिखा दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहले का रोड था वो यहाँ तक था, जो आप देख रहे हैं यहाँ से। फिर इसके बाद यहाँ से आगे का जो चौड़ाई है लिया जा रहा है और ये है रास्ता अयोध्या अकबरपुर मार्ग। और यहाँ से आप सीधा निकल जाएंगे दर्शन नगर होते हुए माया बाज़ार अकबरपुर निकल जाएंगे। अभी हम आपको बाइक से भी दिखाएंगे और पूरा डिटेल में जानकारी देंगे, तो आप वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो पर नए चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अयोध्या की सभी डेवलपमेंट की वीडियो आपको श्री अयोध्या धाम यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। आइए बाइक के माध्यम से दिखाते हैं कि कहाँ क्या क्या कार्य हो रहे हैं, कितनी चौड़ाई है और कहाँ कितनी ज़मीनें ली जा रही हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं हमारे बाएं साइड में कि जो एक तरफ का ये ज़मीन लिया जा रहा है और दूसरी तरफ का नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि जो जिसकी चौड़ाई एक तरफ है उसको पूरा लेकर पूरा एक तरफा ही जो नुकसान मुआवजा दिया जाएगा एक ही तरफ दिया जाएगा। इसमें एक तरफ का जो पूरा जो जा रहा है उनका बच जाएगा और एक तरफ में जिसकी ज़्यादा ज़मीन खाली है उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रोड जहाँ तक बना हुआ था उसके बाद से कार जो इकट्ठा करके उसके ऊपर गिट्टी मिट्टी डालकर उसको जब रोड के बराबर किया जाए उसके बाद तार पोल की रोड बनना शुरू हो जाएगा। और अभी हम जा रहे हैं अयोध्या से अकबरपुर की तरफ। और ये हम अभी जो कार हो रहा है ये दशा समाधि का रास्ता जहाँ से कटा हुआ है वहाँ तक कार हो रहा है। और इसके आगे भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे, अयोध्या से पूरा अकबरपुर का जो कार हो रहा है वो भी हम दिखाएंगे और उसका बाइक राइड भी दिखाएंगे और अकबरपुर तक का नज़ारा भी हम दिखाएंगे। हो सकता है 2-3 दिन में वो वीडियो आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप अयोध्या आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि अयोध्या के सभी चौराहे व मार्गों को चौड़ीकरण किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पेड़ है वो काटे जा रहे हैं और ये इस पेड़ की उम्र लगभग 100-200 साल तो होगी ही। अगर आप देख पा रहे हैं कि जहाँ तक हमें लग रहा है बहुत ही पुराना पेड़ है और ऐसे पेड़ों को काटना ही दिल से बहुत दुखी सा लग जाता है जब ऐसे पेड़ कट जाते हैं, क्योंकि तो यही हमें जीवित रखते हैं आने वाले समय में, भगवान न करे कि ऐसा कुछ हो। इधर आप जो सामने देख रहे हैं हमारे दाएँ तरफ इधर साइड, इधर लगभग 5 फीट लिया गया है और इधर लगभग 10 से 15 फीट लिया गया है। और जिधर ज़्यादा ज़मीनें मिल रही हैं उधर की तरफ ज़्यादा कार्य किया जा रहा है। और ये देखिए काफ़ी तेज़ी से कार्य हो रहे हैं, आगे आने वाले समय में भी ये पूरा अकबरपुर तक होते हुए बस्तारी तक ये रास्ता पहुँच जाएगा। दोस्तों अयोध्या में सभी चौराहों और मार्गों को जो अयोध्या से जुड़ती है उनको चौड़ीकरण का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है और अभी ये कार्य चल रहा है आचार संहिता में और तब भी ये कार्य काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। पहले के समय में क्या होता था कि आचार संहिता लगने के बाद क्या तो या तो रुक जाता था या तो बहुत धीमी रफ्तार से चलता था, लेकिन यहाँ पर अभी कार्य चल रहा है। हो सकता है 1-2 दिन में यहाँ का रोड भी बन जाए, क्योंकि मिट्टी वगैरह आके रखा चुकी है, जो गिट्टी है जो गिट्टी के बाद जो एक मिट्टी आती है जो महीन होती है जो मिट्टी के अंदर भरी जाती है, उसके बाद जो तार पुल की रोड है वो बनाई जाती है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि अयोध्या से जो पेड़ कटने का कार्य है वो पूरा हो गया, जो बिजली खंभे जो किनारे किनारे थे वो भी हटाने का भी कार्य चल रहा है। और अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो रोड बनाने की मशीनें हैं बड़ी बड़ी वो देख सकते हैं, हम आपको मोबाइल कैमरे से दिखाते हैं जूम करके कि कौन सी मशीन है, ये आप देख सकते हैं। अभी हम रुकिए आपको दिखाते हैं मोबाइल कैमरे से जूम करके। और ये देखिए और ये है मशीनें जो रोड बनाने के कार्य में इस्तेमाल होगी।
यहाँ पे देख सकते हैं ये सब मशीनें आगे रखा चुकी है। बस कुछ ही दिनों में यहाँ पे तारकोल की रोड का कार्य शुरू हो जाएगा और जब ये चौड़ीकरण हो जाएगा तब उसके बाद यहाँ की खूबसूरती जो लाइटिंग वगैरह है वो लगाई जाएगी, फसाड़ लाइट और जो LED लैंप वाली है लाइटें वो सब लगाई जाएंगी। चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं और कहाँ तक कार्य हुए हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। और दोस्तों इस रोड की चौड़ाई लगभग 30 से 35 मीटर रहेगी और यह सीधा अकबरपुर होते हुए बस्कारी तक जाएगा। और दोस्तों 43 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण PWD की तरफ से कर लिया गया है। इसके सीमांकन में एक हफ्ता का समय और लगेगा और जब ये पूरा जो सीमा है आगे तक का जहाँ तक इनको बनाना है वो पूरा हो जाएगा तो उसके आगे का भी कार्य शुरू हो जाएगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत सरकार के वन मंत्रालय ने पेड़ों को काटने को हरी झंडी दे दी है। अयोध्या जनपद में आने वाले सड़कें के बगल जो कुल 7,856 जबकि अम्बेडकर नगर जिले के अंतर्गत कुल 6,335 पेड़ों को काटा जाएगा और इसमें PWD के अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए दोनों ही जनपदों की तरफ से वन विभाग को लगभग 21 करोड़ रुपये दिए गए हैं और अयोध्या से बस्कारी तक 81 किलोमीटर तक लंबी सड़क बनाने का जिम्मा छात्र शक्ति कंपनी को मिला हुआ है जो धीरे धीरे काम शुरू कर दी है। लेकिन सड़क के किनारे पेड़ों को काटने और बिजली के तारों को हटाने का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है और PWD के अधिकांश अभेता प्रखंड सरसक लाल ने बताया है कि जल्द ही वन विभाग की टीम पेड़ों को कटाई का कार्य आगे बहुत तेज़ी से करेगी जिसके बाद सड़क के चौड़ीकरण और निर्माण की गति को तेज़ी मिलेगी। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जब ये रोड चौड़ीकरण हो जाएगा तब इसका लुक और देखने का दृश्य बहुत ही अच्छा लगेगा। जब हो सकता है ये 4 लेन से जुड़ जाए सीधा और बाद में इसे 4 लेन भी बना दें। और अभी हम चल रहे हैं धीरे धीरे अयोध्या से अकबरपुर अम्बेडकर नगर होते हुए और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे बाएं साइड में जितनी इधर रोड है उतना ही इधर भी लिया गया है, गड्ढा करके अभी ये पूरा प्लेन किया गया है फिर इसके बाद आगे का काम शुरू हो जाएगा। और आने वाले समय में इस रोड की वीडियो अपडेट देते रहेंगे तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अयोध्या की सभी डेवलपमेंट की वीडियो आपको हमारे श्री अयोध्या धाम यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। अयोध्या से सभी डेवलपमेंट की वीडियो आपको देखने को मिलेगी श्री अयोध्या धाम यूट्यूब चैनल पर। और हम आपको आगे ले चलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आगे चल के कार शुरू हो गया है, यहाँ से हम आपको दिखाते हैं थोड़ा आगे चल के। दोस्तों इसमें जो साइडमैन नया बाजार और अकबरपुर शामिल है इसके लिए अलग से सर्वे और अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। अभी अयोध्या से अकबरपुर तक सड़क बनाने के बाद पूर्वांचल के अधिकांश जिले सीधे 4 लेन से जुड़ जाएंगे
और आजमगढ़ से बस्ती जिले को जोड़ने वाले फोर लेन से बस्तारी फोर लेन लाइन को जोड़ दिया जाएगा और जिससे हर तरफ फोर लेन सड़कों का जाल बिछ जाएगा। हालांकि इसमें बनने में अभी वक्त लगेगा क्योंकि अभी काम शुरू ही हुआ है और इसे बनने में समय लगेगा क्योंकि अभी गवर्नमेंट फिर से आएगी तो इस पर कार्य और तेज़ी से शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे हम वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जैसे सभी डेवलपमेंट की वीडियो आपको श्रीयता जानी चैनल पर देखने को मिलेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम जी की हर हर महादेव।